दोस्तों हम लोग जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा तस्वीर निकल कर आता है। लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका जापान पे बॉम्ब्स का बारिश कर रहा था, जिसके चलते जापान को एक ऐसा हथियार का जरूरत महसूस होता है जो अमेरिका को बिना चेतावनी के चारों ओर से सरप्राइज अटैक कर बर्बाद कर सके। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अमेरिका कभी देखी ना हो। और जापान के द्वारा इसका आंसर था I-400 क्लास की सबमरीन, जो दुनिया का पहला सबमरीन के साथ साथ एक अंडरवाटर एयरक्राफ्ट कैरियर भी था। इस अंडरवाटर एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई करीब 37 मंजिला इमारत जितनी थी और एक बार रिफिलिंग करने के बाद ये 40,000 किलोमीटर तक का सफर तय करने में सक्षम था। और तो इस अंडरवाटर एयरक्राफ्ट कैरियर में 3 फाइटर प्लेन्स हमेशा मौजूद रहते थे। ये कैरियर समंदर के सतह में आकर फाइटर प्लेन्स को कैटापल्ट सिस्टम के माध्यम से लॉन्च करता। वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होते ही अमेरिकी नेवी को ये एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के एक तट के पास मिला और इस पेचीदे टेक्नोलॉजी को देखकर अमेरिकन पूरी तरह से हैरान हो गए।